कार्यकर्ताओं का एक हुजूम वहां पर मौजूद है, यूपी पुलिस दूसरी तरफ रोकने के लिए मौजूद है। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या खबर वहां से मिल पा रही है? काफी हलचल दिख रही है। खबर बड़ी है यहाँ पर नवजोत। खबर ये है कि लगता है यहाँ पर जो प्रियंका और राहुल का काफिला है वो पहुंच गया है। दूर हम आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर बड़ा हुजूम कार्यकर्ताओं का। अभी पुलिस जो है उसमें भी सुगबुगाहट हो गई है। पुलिस ने भी जिस रास्ते से कोशिश कर रहे हैं आने की, जिस तरफ कार्यकर्ता आ रहे हैं उस तरफ पुलिस भी मूव करने लगी है धीरे धीरे। क्या ये जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो शायद गाड़ियों के साथ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, झंडे बैनर पोस्टर, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दो बड़े नेता कांग्रेस के, दोनों नेता जो इस जिस तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और वहां से कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े, आगे गाड़ी आए क्या उसको अनुमति दी जाएगी। ये बड़ा सवाल है क्योंकि पुलिस अभी भी हमारे दूसरी तरफ खड़ी है। हम आपको अभी भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पुलिस जो बल है वो अभी भी खड़ा है, अपनी जगह पर मुस्तैद है, इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से जब भी अगर गाड़ी आती है, अगर काफिला आता है तो उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी। क्या होगा, क्या अभी दिल्ली की तरफ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ियाँ हैं वो अभी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की कोशिश करेंगी? यहाँ पर पूरी पुलिस बल मौजूद है, आपको हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे पुलिस की तरफ ले जाने के लिए कि किस तरीके से जिस तरीके से वो पहले अपनी पोजीशन में थे उसी तरीके से अभी भी मौजूद है। वहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकली हैं, मैं कोशिश करता हूँ गाड़ियों की तरफ जाने का। अगर उसमें राहुल और प्रियंका दिखेंगे तो मैं आपको विजुअल भी आपकी तरफ लेकर के आऊँगा किस रास्ते को थे गाड़ियां निकलने शुरू हुई हैं। लेकिन क्या ये जो रास्ता खाली है जो अभी मैं पैच खाली दिखा रहा हूँ इसको पुलिस ने जानबूझकर छोड़ रखा है, आम ट्रैफिक के लिए बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ से गाड़ियां जा रही थी वो गाड़ियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। तो क्या पुलिस ने तैयारी कर ली है कि यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को अगर वो कांग्रेस के जो ये नेता है वो जाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ से बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है हमारी तरफ आ रहे हैं और इनके साथ साथ नारेबाजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को जो पूरा बड़ा मुद्दा है उसको और किस तरीके से बड़ा बनाया जाए। ये तमाम कार्यकर्ता बढ़ते हुए आगे की तरफ, क्या उसको उनको और भी आगे बढ़ने दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है क्योंकि ये अब धीरे धीरे जो पूरा हुजूम है वो बीएनडी के बिल्कुल पास तक पहुंच गया है। क्या ये इसके आगे जाने की इनको अनुमति होगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त क्योंकि हम भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर टकराव बढ़ सकता है क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो शायद आगे जाने की अनुमति दे दी जाए लेकिन जो बड़े नेता हैं उनको अजय लल्लू है, लल्लू जी को न्याय दिलाने के लिए लड़ा। अजय लल्लू जो है जो कांग्रेस के नेता हैं वो आगे बढ़े हैं। इमरान प्रतापगढ़ी है, क्या है आप लोगों की क्या योजना है? हम जाना चाहते हैं, आगरा जाएंगे के लिए, उसको न्याय दिलवाने के लिए। राहुल जी प्रियंका जी पूरी कांग्रेस पूरी गाड़ी का काफिला कांग्रेस आगे जाएगी यहाँ पे आगे आगे भूपेंद्र हुड्डा होने की तैयारी है, चोट लगी जाएगी। देखिए ये जो पूरी गाड़ी है ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको हम दिखा दें तस्वीरों में कि किस तरीके से जो तमाम बाकी नेता हैं वो भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर कोशिश ये है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बाकी नेता हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी है राहुल गांधी है, क्या उनको आगे जाने की अनुमति मिलेगी क्योंकि जो स्टेट लेवल के नेता थे राज्य स्तर के नेता हैं उनको तो आगे जाने दिया है पुलिस ने, लेकिन बाकी नेताओं को क्या अनुमति मिलेगी ये अभी बड़ा सवाल है। तो ये इस तरीके से अभी यहाँ पर कुमार कुणाल लौटते हैं आपके पास इस बीच। बिल्कुल कुमार कुणाल लौटते हैं, अशोक सिंगल जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, कौन कौन बड़े लीडर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है? अशोक सिंगल अशोक सिंगल मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है दिखाइए तस्वीर और बताइए कौन कौन बड़े लीडर्स इस वक्त वहाँ मौजूद है। राहुल प्रियंका क्या पहुँच चुके हैं? क्या कर रहे हैं यार इतने कोरोना काल में भी कितने
तो चलिए अशोक सिंघल भी वहीं मौजूद है, कुमार कुणाल भी वहीं पर मौजूद है। कुमार कुणाल, कौन कौन से बड़े लीडर्स यहाँ पर हैं, कौन लीड कर रहा है इस पूरे काफिले को अभी? देखिए अभी जो यूपी में दाखिल हुए हैं अजय लल्लू, फिर वापस आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। यूपी में दाखिल हो गए थे इमरान प्रतापगढ़ी है, रणदीप सुरजेवाला है, इनकी गाड़ियां यूपी में दाखिल हो गई थी, लेकिन चूंकि अभी राहुल और प्रियंका दिल्ली की साइड में ही हैं, वो अभी अंदर नहीं गए हैं, तो वापस लौट के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं वापस। क्या ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने के लिए पुलिस लगाई गई है? क्योंकि बाकी नेताओं को फिलहाल पुलिस ने नहीं रोका है, तो उनको अनुमति दी गई है आगे बढ़ने की, लेकिन क्या राहुल और प्रियंका पर नजर है, क्या उनको रोकने की है? क्योंकि अभी भी पुलिस बिल्कुल साइड में खड़ी है, बिल्कुल बीच में नहीं आ रही है। अजय लल्लू हमारे साथ है, क्या है अभी की स्थिति, क्या है लल्लू जी बताइए, क्या अभी चल रहा है, अभी क्या है, प्रियंका जी को अनुमति दी है? अनुमति किस बात का, किसी के दर्द को जानने, किसी की पीड़ा को जानने, किसी के इंसाफ की लड़ाई के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो क्या है अभी स्थिति, क्या है व्यवस्था, क्या है, आपको पुलिस ने कुछ बोला है? अभी कुछ नहीं, हम तो जा रहे हैं, ये हमारे कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता पार्टी के लोग उत्साह में हैं, निश्चित रूप से बात को लड़ने के लिए संकल्पित है। लल्लू थे हमारे साथ जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम अब यहाँ पर हुजूम है, कोशिश यही है, कह रहे हैं क्या कि हमें किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये पुलिस मानेगी? कुमार कुणाल नजर बना रखे हैं दूसरी तस्वीर जो लगातार हमें अशोक सिंघल भी दिखा रहे हैं। अशोक सिंघल बताइए, कौन कौन लीडर्स वहाँ मौजूद है, प्रियंका राहुल के बारे में क्या खबर? अशोक सिंघल मेरी आवाज अब तक आ रही है? तो देखिए तस्वीरें, ये डीएनडी की तस्वीरें, कौन कौन लीडर हैं? अजय लल्लू सबसे पहले इस पूरे काफिले को लीड कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, इमरान प्रतापगढ़, ये सभी लोग यूपी की सीमा में एंटर हुए, वापस लौटे और सीधे सीधे अजय लल्लू ने कहा कि किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से परमिशन ली जाएगी, क्योंकि किसी का दुख दर्द साझा करने के लिए हम लोग वहां पर जा रहे हैं। कुमार कुणाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यानी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जो है पूरी तरह से डीएनडी पर इस वक्त, एक तरफ झंडे बैनर लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यूपी कूच करने को, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इनको रोकने के लिए। कुमार कुणाल, क्या तस्वीर वहां से, क्या खबर, राहुल और प्रियंका कहां हैं? हमारे साथ है, इसी गाड़ी में राहुल बैठे हैं, राहुल बैठे हैं हमारे साथ, और राहुल गांधी की गाड़ी लगभग डीएनडी पे आ गई है, लगभग डीएनडी पे आ गई है राहुल गांधी की गाड़ी, कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है, आपको हम दिखाएंगे। इसी गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हैं, अजय लल्लू बैठ गए हैं, जो तमाम आपको दिखाएं, राहुल हमारे साथ, राहुल अशोक सिंघल की हमें खबर सुन रही आवाज आप तक आ रही है। अशोक दिखा रहे, एक तरफ कार्यकर्ता दूसरी तरफ यूपी पुलिस रोकने के लिए। कुमार कुणाल जी, जी 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 नवजोत जी, आवाज आपकी आवाज मिल रही है जी? अशोक अब अच्छा भी कह रही है, मेरे को सुन ही नहीं रहा यार।
तो ये तस्वीरें टीएनडी की, हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर लगातार इस वक्त। आपको बता दें हाथरस पहुंचना, हाथरस की कूच के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स, लेकिन रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस डीएनडी फ्लाईओवर पर तैनात और कोशिश यही है कि राहुल प्रियंका को आगे न जाने दिया जाए। लेकिन इस बीच तस्वीर ये देखिए कि अजय लल्लू, इमरान प्रताप गढ़ी, सुरजेवाला सभी को यूपी बॉर्डर में एंटर होकर फिर वो वापस लौट जाते हैं। यानी रोकना किसको है, सिर्फ राहुल और प्रियंका को। अशोक सिंघल और हमारे सहयोगी कुमार कुमार मौजूद है, पुलिस फोर्स तो तैनात है लेकिन सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की तो ध्वजें उड़ाई दी गई, लेकिन देख सकते हैं कि लल्लू सिंह यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता हैं इनके, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। देख सकते हैं कि पूरा डीएनडी में यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों, पूरा जाम हो गया डीएनडी यहाँ पे। यूपी से और आसपास के इलाकों से काफी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है डीएनडी की। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, साथ साथ हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं उनसे बात करने, कुछ नेताओं से, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लोज की स्थिति मची हुई है। भारी तादाद में पुलिस भी यहाँ तैनात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी डीएनडी में ये कार्यकर्ता यहाँ पूरी सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठा है। और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ गाड़ियाँ, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, नेताओं की ये गाड़ियाँ हैं। और यहाँ जो है प्रदेश, यूपी प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि ये पूरी भारी सुरक्षा बंदोबस्त भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा जो हाथरस की तरफ भारी तादाद में गाड़ियाँ और नेता इन गाड़ियों में जा रहे हैं, और कार्यकर्ता, प्रदेश भर से कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चाहते हैं कि हाथरस में जा करके पीड़िता के परिवार से मिले, लेकिन पुलिस की कोशिश यही थी कि इनको यहाँ रोका जाए। उसके बावजूद भी ये तमाम देख सकते हैं कि कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं, कार्यकर्ता गाड़ियों में किस ढंग से बैठे हुए, आप देख सकते हैं कि ये तमाम कार्यकर्ता। आप लोग हाथरस जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाथरस। लेकिन धारा 140 लगी हुई है वहाँ, तो किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्यों भाई? आप देख रहे हैं सब लोग कह रहे हैं कि हाथरस जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी निकल चुके हैं, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। रोकने की कोशिश हुई लेकिन भारी तादाद में कार्यकर्ताओं के जमावड़े के चलते पुलिस भी उनको रोक नहीं पाई। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ जाम हो गया, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के व्हीकल, नेताओं की गाड़ियां, तमाम यहाँ पर पूरा हाथरस जो रूट जा रहा है इधर नोएडा से, डीएनडी से उधर की तरफ पूरा मुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा डीएनडी जाम हो गया। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा डीएनडी जाम है, लेकिन यहाँ प्रशासन की कोशिश थी कि इनको रोका जाए, लेकिन रोकने में नाकाम हुए हैं। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की कोशिश थी कि धारा 144 बेशक लगा दिया प्रशासन ने, लेकिन वहां जाकर के वो पीड़िता से मिलना चाहते हैं, पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते हैं। ये अशोक सिंघल, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, देखिए मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, सियासत इसको लेकर हो रही है, लेकिन इस बीच यूपी पुलिस जो रोकने की तैयारी कर रही है, वहां पर कोशिश पूरी है राहुल और प्रियंका दोनों को रोका जाए, उनके बारे में क्या जानकारी, क्या खबर मिल पा रही है? काफिला तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल प्रियंका कहाँ है इस वक्त?